Good morning, class 6th. Last week we started the chapter number 19, India, climate, vegetation and wildlife. In this chapter beta humne last week read kiya tha factors influencing India's climate. Now we are going to start cycle of seasons. There are four different seasons in India: summer, monsoon, retreating monsoon and winter. Let us discuss each of these with its major characteristics. Summer. During summer, as you have learned, the northern hemisphere begins to get direct rays of the sun, due to which India begins to get warm. बेटा समर्स में क्या होता है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है उसके ऊपर सन की डायरेक्ट रेज पड़ती हैं, जिससे क्या हो जाता है, वो वार्म होना स्टार्ट हो जाता है, गर्म होना स्टार्ट हो जाता है. टेम्परेचर कॉन्टिन्यूज टू राइज फ्रॉम 30 डिग्री इन मार्च टू ओवर 40 डिग्री इन मई. बाय मिड जून द सन मूव्स वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया एक्सपीरियंस हॉट समर. इन फैक्ट the great indian desert records very high temperature of more than 50 degree centigrade. धीरे धीरे क्या होता है बेटा, टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होना स्टार्ट हो जाता है, 30 टू 40 डिग्री तक पहुंच जाता है मई के अंदर. और जून के अंदर क्या है, जो रेज होती हैं सन की मूव्स वर्टिकली आ जाती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड मोस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, इंडिया का नॉर्थ वेस्ट जो पार्ट है उसके ऊपर और सेंट्रल इंडिया. और यहाँ पे इसलिए क्या होता है, हॉट समर्स आ जाती हैं, मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा होने लग जाती हैं. और यहाँ पे मतलब हम कह सकते हैं कि हाई टेम्परेचर का रिकॉर्ड भी है ग्रेट इंडियन डेजर्ट के अंदर, जिसको थार डेजर्ट भी बोलते हैं, 50 डिग्री तक नोट किया गया है. कोस्टल इंडिया हैज स्लाइटली लोअर टेम्परेचर्स ऑफ अबाउट 30 डिग्री सेंटीग्रेड एज कूल सी ब्रीज हैव अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंसेस ऑन द टेम्परेचर. अब कोस्टल इंडिया क्या है, वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा टेम्परेचर जो है वो कम होता है, मतलब 30 डिग्री तक ही होता है. और क्या होता है कि वहाँ पे जो कूल सी ब्रीज होती है, क्योंकि वहाँ पे आसपास सीज हैं, तो जो सी की ब्रीज होती है वो कूल होती है, हवाएं ठीक चलती हैं, मॉडरेट ही रहता है क्लाइमेट. हिली एरियाज ऑल्सो एक्सपीरियंस लो टेम्परेचर. हिली एरियाज के अंदर भी टेम्परेचर लो ही होता है, बिकॉज टेम्परेचर डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन हाइट. जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं टेम्परेचर जो होता है वो कम होता जाता है. As the winds get hotter, they rise and low pressure therefore develop over land. The surrounding seas are cooler and so develop high pressure. अब जैसे जो विंड है वो हॉट होती जाती है, they rise and और उठती हैं ऊपर एंड लो प्रेशर देयर फॉर डेवलप्स ओवर लैंड, और इसलिए लैंड के ऊपर क्या हो जाता है, लो प्रेशर हो जाता है. द सराउंडिंग सीज आर कूलर, और उसके जो सराउंड सीज जो हैं वहाँ पे वो क्या होते हैं, वो कूल हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, एंड सो डेवलप हाई प्रेशर, इसलिए वहाँ पे प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है. मतलब लैंड के ऊपर हवाएं गर्म होती हैं, इसलिए जो प्रेशर होता है वो लो हो जाता है, और जो सीज हैं वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा ठंडा होता है मौसम, इसलिए क्या होता है, जो प्रेशर है वो हाई होता है. मॉनसून. द वर्ड मॉनसून इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसीन मीनिंग सीजन. ये अरेबिक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है सीजन. बिगनिंग इन मिड जून इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया दिस सीजन कॉन्टिन्यूस टिल सेप्टेम्बर. ये जो सीज़न है बेटा जून से स्टार्ट होकर सेप्टेम्बर तक रहता है. As winds move from region of high pressure to region of low pressure, जो winds हैं वो high pressure से लेकर low pressure तक के region तक जाती हैं. The extremely low pressure conditions over northwest India draw in winds from high pressure areas over the adjoining seas. अब जो winds हैं बेटा वो high pressure से low pressure की तरफ जाती हैं, इसलिए जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है उसके अंदर जो क्या होता है, लो प्रेशर की कंडीशन जो बहुत ज़्यादा आ जाती हैं. वो किस लिए आती हैं, वो आसपास के सी के अंदर जो हाई प्रेशर होता है उसके कारण आ जाती हैं. दीज विंड्स कॉल्ड द मॉनसून विंड्स और द साउथ वेस्ट मॉनसून हैव देयर ओरिजिन इन द सर्दर्न हेमिस्फीयर इन द कूलर इंडियन ओशन. इनको बेटा मॉनसून विंड्स या साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स भी बोला जाता है, और इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, सर्दर्न हेमिस्फीयर से. एज दीज विंड्स ट्रेवल अ लॉन्ग वे ओवर वाटर बॉडीज दे ऑब्जर्व
a lot of moisture and become rain-bearing. By June, they are drawn towards extremely hot mainland of India. और ये वाली जो विंड होती हैं बेटा, ये बहुत लंबी ट्रैवल करती हैं, बहुत ज़्यादा दूरी तय करती हैं. इसलिए वो करती कहाँ से हैं? ओवर वाटर बॉडीज़ के ऊपर से. इसलिए वाटर बॉडीज़ के ऊपर से जब ये जाती है तो उसका जो मॉइस्चर होता है ये वो ले लेती हैं एंड बिकम रेन बेयरिंग, और रेन का कारण बनती हैं. और जून में क्या होता है, दे आर ड्रॉन टूवर्ड्स एक्सट्रीमली हॉट मेनलैंड ऑफ इंडिया. जून तक ये कहाँ चली जाती हैं? जो बहुत ज़्यादा हॉट लैंड्स होते हैं, गर्म हो चुके होते हैं, वहाँ तक चली जाती हैं. वैन दीज मॉइस्चर लेडन विंड्स रीच द कोस्टल पार्ट्स ऑफ इंडिया, जब ये मॉइस्चर वाली विंड्स जो होती हैं वो कोस्टल पार्ट्स तक पहुँचती हैं इंडिया के, दे ब्रिंग वायलेंट थंडरस्टॉर्म्स एंड हैवी डाउनपोर्स. तो ये हवाएं क्या होती हैं, ये अपने साथ बहुत ज़्यादा थंडरस्टॉर्म्स और डाउनपोर्स, मतलब हैवी डाउनपोर्स, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश लेकर आती हैं अपने साथ. द स्काई इज़ ऑफन क्लाउडी, स्काई जो होता है वो क्लाउडी रहता है, एंड देयर आर फ्यू स्पेल्स ऑफ सनशाइन बिटवीन लॉन्गर रेनी स्पेल्स. और कभी कभी सनशाइन दिखाई देती है रेनी सीजन के अंदर. देयर आर टू मेन ब्रांचेस ऑफ द साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स ओवर इंडिया as can be seen in the map on the next page. When the southwest monsoon approaches the India coast, they divide it into two branches. ये क्या होता है बेटा, जब ये southwest monsoon जो होता है वो Indian coast पे पहुंच जाता है तो वो two branches में divide हो जाता है, an Arabian Sea branch and a Bay of Bengal branch. The Arabian Sea branch blows towards the west coast of India, bringing heavy rain to coast of peninsular India and parts of Gujarat. ये वाली अरेबियन सी ब्रांच जो होती है बेटा वो वेस्ट कोस्ट की तरफ जाती है इंडिया के, इंडिया बिगनिंग हैवी रेन, वहाँ पे हैवी रेन स्टार्ट हो जाती है टू कोस्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया और पार्ट्स ऑफ गुजरात, पेनिनसुलर इंडिया के पार्ट में और गुजरात के अंदर. द बे ऑफ बंगाल ब्रांचेस डिवाइड्स फर्दर इंटू टू ब्रांचेस, बे ऑफ बंगाल ब्रांच को फिर इन्होंने टू ब्रांचेस में डिवाइड किया है. वन दैट मूव्स टूवर्ड्स ईस्टर्न इंडिया, एक जो ईस्टर्न इंडिया की तरफ जाती है यानी कि म्यांमार और बांग्लादेश में. अ सेकेंड दैट ट्रेवल्स अप द नॉर्दर्न प्लेन्स, और जो सेकेंड है वो नॉर्दर्न प्लेन्स एंड द गैंगेटिक वैली टूवर्ड्स द लो प्रेशर, मतलब वो लो प्रेशर की ओर बढ़ती है, सेंटर्ड इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया. बाई द टाइम द मानसून विंड्स रीच द इंटीरियर ऑफ इंडिया, धीरे धीरे क्या होता है वो जो धीरे धीरे वो इंडिया के इंटीरियर पार्ट में पहुंच जाती हैं, मतलब बीच में पहुंच जाती हैं. दे ब्रिंग लेसर रेन एंड बाय द टाइम दे रीच वेस्टर्न राजस्थान दे आर ऑलमोस्ट ड्राई. धीरे धीरे क्या होता है, ये आगे बढ़ती हैं, राजस्थान में पहुंचती है, वेस्टर्न पार्ट में पहुंचती है, दे आर ऑलमोस्ट ड्राई, वो वाला जो रीजन है वो पूरी तरह से ड्राई होता है. सो वाइल द वेस्ट कोस्ट एंड द गैंगेटिक डेल्टा रिसीव ओवर 200 सेंटीमीटर ऑफ रेन, जो गैंगेटिक डेल्टा होता है या जो वेस्ट कोस्ट है वो मतलब हम कह सकते हैं 200 सेंटीमीटर तक वहाँ रेन हो जाती है, प्लेसेस बियॉन्ड देम रिसीव 100 टू 200 सेंटीमीटर. मैनी पार्ट्स ऑफ इंटीरियर इंडिया हाउएवर गेट जस्ट अबाउट 50 टू 100 सेंटीमीटर ऑफ रेन, लेकिन इंटीरियर पार्ट्स जो हैं इंडिया के वो बहुत ही कम, जिसको हम कह सकते हैं वहाँ पे रेन होती है, जैसे 50 टू 100 तक ही रहती है सेंटीमीटर तक. द ग्रेट इंडियन डेजर्ट ऑफ राजस्थान रिसीव बियरली 25 सेंटीमीटर ऑफ रेन, और जो राजस्थान का ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, थार डेजर्ट है, वहाँ पे तो बिल्कुल ही कम रहती है रेन, 25 सेंटीमीटर तक ही पहुँच पाती है. टूवर्ड्स द एंड ऑफ द सेप्टेम्बर द रेनफॉल कीप्स डिक्रीजिंग, धीरे धीरे सेप्टेम्बर तक जैसे जैसे बढ़ता जाता है टाइम, रेनफॉल जो है वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है. द पंजाब प्लेन्स एंड नॉर्थ वेस्ट वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया विच आर द लास्ट टू रिसीव द मानसून, ये एरियाज जो हैं वो लास्ट में मानसून रिसीव करते हैं, आर ऑल्सो द फर्स्ट टू विटनेस दैम लीव द कंट्री. इसके अलावा वो मतलब क्या है, विटनेस होते हैं कि मानसून जो है वो ये भी देखते हैं कि मतलब मानसून जो है उसने कंट्री को छोड़ दिया है. रिट्रीटिंग मानसून, By the end of the September, the sun begins to move to the equator and then to the southern hemisphere and reversal of winds take places.
सितंबर के एंड तक क्या होता है बेटा, जो सन होता है बिगिंस टू मूव द इक्वेटर, इक्वेटर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है एंड देन टू द सर्दर्न हेमिस्फीयर, और धीरे धीरे सर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ चला जाता है। इंडिया विटनेस द फॉलोइंग ड्यूरिंग दिस सीजन। बाय अक्टूबर द वेदर गेट्स क्लियरर एंड कूलर, ड्राई विंड्स बिगिंस टू ब्लो फ्रॉम द लैंड टू द सी, द टेम्परेचर इन द नॉर्दर्न प्लेन्स बिगिंस टू डिक्रीज एज द सन्स रेज नो लॉन्गर फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज कम होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि सन की जो रेज हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर डायरेक्टली नहीं पड़ती हैं। द साउथ वेस्ट मॉनसून विंड सीम टू विड्रॉ इन स्टेजेस ड्यूरिंग दिस सीजन, दैट इज वाई दिस सीजन इज नो एज अ रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन। साउथ वेस्ट जो मॉनसून विंड्स होती हैं बेटा, विड्रॉ इन स्टेजेस ड्यूरिंग दिस सीजन, इस सीजन के अंदर क्या होती है, धीरे धीरे पार्ट्स में क्या करती है, जाना स्टार्ट हो जाती है वापस, इसीलिए इसे रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन भी बोला जाता है। नवंबर तक जो मॉनसून है बेटा वो धीरे धीरे बहुत सारे पार्ट से इंडिया के चला जाता है। नेक्स्ट इज विंटर। बाय दिसंबर द सन इज वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एज टेम्परेचर ओवर द लैंड बिगिंस टू फॉल, धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है टेम्परेचर। द विंटर सीजन बिगिंस इन लेट नवंबर एंड कॉन्टिन्यूज अंटिल द एंड ऑफ फेब्रुअरी इन इंडिया। द जनरल वेदर कंडीशंस आर कोल्ड एंड ड्राई, ज़्यादातर वेदर जो होता है वो कोल्ड और ड्राई होता है। द विंटर टेम्परेचर आर बिटवीन 10 डिग्री टू 22 डिग्री फॉर द मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड द ग्रेट इंडियन डेजर्ट गेट एक्सट्रीमली कोल्ड वाइल द सर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया हैज हायर टेम्परेचर बिकॉज ऑफ सराउंडिंग सीज, कोस्टल एरियाज कॉन्टिन्यू टू इंजॉय मॉडरेट टेम्परेचर। इसमें क्या होता है बेटा, टेम्परेचर जो है नॉर्दर्न प्लेन्स और ग्रेट इंडियन डेजर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, वाइल सर्दर्न पार्ट जो है इंडिया का हैज़ हायर टेम्परेचर, मतलब सर्दियों का हायर टेम्परेचर वहीं पे ही होता है बिकॉज ऑफ सराउंडिंग सीज, क्योंकि वहाँ पे सीज हैं ज़्यादातर, तो जो क्लाइमेट है वो ऑलमोस्ट द टाइम मॉडरेट ही रहता है, एक जैसा ही रहता है, और जो कोस्टल एरियाज हैं वो मॉडरेट हो जाते हैं, और जो सर्दर्न पार्ट है उसके अंदर जो टेम्परेचर है वो हाई ही रहता है। द मॉइस्चर एरिया सॉरी द माउंटेन एरियाज टू द नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट एंड द नॉर्थ ईस्ट रिकॉर्ड द लोएस्ट टेम्परेचर, माउंटेन एरियाज जो होते हैं उसके अंदर लोएस्ट टेम्परेचर होता है, ऑफन बिलो फ्रीजिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ एल्टीट्यूड। अब यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल ही जीरो डिग्री मतलब माइनस में ही पहुँच जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है बिल्कुल। एट दिस टाइम ऑफ द ईयर द लैंड इज कोल्डर देन द सराउंडिंग सीज, सराउंडिंग मतलब सीज से ज़्यादा इस टाइम पे जो एरिया होते हैं, जो लैंड जहाँ पे होता है वहाँ पे ज़्यादा ठंडा हो जाता है। हाई प्रेशर डेवलप्स ओवर लैंड, हाई प्रेशर हो जाता है लैंड के ऊपर, वाइल लो प्रेशर डेवलप्स ओवर द सीज। इंस्टेड ऑफ ब्लोइंग फ्रॉम सी टू लैंड जो द मेन विंड्स नाउ मूव फ्रॉम द कूलर लैंड टू द वार्मर सीज। अब मतलब सी से लैंड की तरफ होने की बजाय जो हवाएं होती हैं वो क्या करती हैं, मूव फ्रॉम द कोल्डर कूलर लैंड, ठंडे लैंड से लेकर मतलब कूलर लैंड से वार्मर सीज की तरफ जाती हैं। दिस इज़ बिकॉज विंड्स ब्लो फ्रॉम एरियाज ऑफ हाई प्रेशर टू रीजन लो प्रेशर, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि जो विंड्स होती हैं वो हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर तक जाती हैं। दीज लैंड विंड्स आर द नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, एज दे ब्लो ओवर द लैंड, लैंड पे ब्लो करती हैं ये, दे आर अनेबल टू पिक अप मॉइस्चर, इसलिए इनके अंदर मॉइस्चर नहीं होता, क्योंकि अगर पानी के ऊपर से ये ट्रैवल करती हैं तो इनके अंदर मॉइस्चर होता है, लेकिन अभी लैंड के ऊपर से ट्रैवल करती हैं तो इनके अंदर मॉइस्चर नहीं होता। एंड सो डू नॉट ब्रिंग रेनफॉल टू मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया, और इसीलिए ये रेनफॉल नहीं लाती हैं। अब देखो बेटा, जो मॉनसून विंड्स होती हैं वो वाटर बॉडीज़ के ऊपर से जाती हैं, इसलिए वो मॉइस्चर कलेक्ट कर लेती हैं उसके अंदर से, और वो रेनफॉल का रीज़न बन जाती हैं, लेकिन ये जो विंड्स हैं वो लैंड के ऊपर से ट्रेवल करती हैं, इसके अंदर मॉइस्चर नहीं होता, इसलिए रेनफॉल नहीं लेकर आती। ओनली वेन दे मूव ओवर द बे ऑफ बंगाल दे गैदर मॉइस्चर, अब सिर्फ क्या होता है कि जब ये बे ऑफ बंगाल के ऊपर से जाती हैं तो मॉइस्चर कलेक्ट कर लेती हैं एंड ब्रिंग रेनफॉल टू सम पार्ट्स ऑफ द ईस्ट कोस्ट स्पेशली तमिलनाडु व्हेन दे ब्लो ओवर इट।
अब कुछ पार्ट्स में इसलिए यहाँ पे क्या करती है, मॉइस्चर होता है इनके अंदर तो रेन हो जाती है, जैसे तमिलनाडु के कुछ पार्ट के अंदर। तमिलनाडु रिसीव मोर देन हाफ ऑफ इट्स एनुअल रेनफॉल इन विंटर। ज़्यादातर जो रेनफॉल होती है तमिलनाडु के अंदर वो विंटर्स में होती है, विच इज़ ब्रॉट बाय द नॉर्थ ईस्ट मॉनसून्स। और ये जो होती हैं ये कौन लेकर आता है, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स जो होती हैं वो लेकर आती हैं। सम वेस्टली डिस्टर्बेंस कमिंग फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन ब्रिंग स्कैटर्ड शावर्स टू द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक द पंजाब, ईस्टर्न राजस्थान, वेस्ट उत्तर प्रदेश एंड दिल्ली, एंड सम स्नोफॉल टू पार्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड रीजन्स। कुछ जो बेटा वेस्ट डिस्टर्बेंस होती हैं, वेस्ट विंड्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, थोड़ी बहुत बारिश कर देती हैं पंजाब राजस्थान के एरियाज के अंदर, और स्नोफॉल लेकर आती हैं वो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे रीजन्स के अंदर। दस इंडियाज क्लाइमेट इज़ वेरी क्लोजली लिंक्ड टू द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। ज़्यादातर जो क्लाइमेट है वो विंड्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। द सीजनल क्लाइमेटिक पैटर्न प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द डेली लाइफ ऑफ द पीपल एंड इन्फ्लुएंस द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द रीजन। अभी डेली का जो क्लाइमेट होता है बेटा, ये हम कह सकते हैं कि इसका जो इफ़ेक्ट है वो लोगों के ऊपर पड़ता है, ह्यूमन बींग्स पे पड़ता है, और फ्लोरा और फौना के ऊपर भी पड़ता है, मतलब वेजिटेशंस वगैरह के ऊपर भी पड़ता है, एनिमल के ऊपर भी पड़ता है।